हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो इस वीडियो में जो जेएसएससी जेई का जो पेपर टू का एग्ज़ाम हुआ था सिविल का, 3 तारीख को, 3 जुलाई को, उसी का आंसर की है, उसी का सॉल्यूशन है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। पेपर टू सिविल का इसमें सिर्फ कराए हुए हैं, पेपर वन का भी हम जल्दी करा देंगे। तो आप इससे अपना आंसर मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं कि कितना मेरा सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, ठीक है। अगर हम लोग एलम को वाटर मतलब एज ए कोगुलेंट वाटर में अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू जो होता है वाटर का वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप एलम ऐड करेंगे कोगुलेंट के अंदर में तो उसका क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू जो होता है वाटर का वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप अपना देख लीजिएगा क्या आंसर मिला है। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, साउंडनेस जो होता है सीमेंट का आप कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ली चैटरियर एपरेटस से हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम एंड अलाउंस फॉर रिवेट होल टू बी एडेड इज, ठीक है। देखिए बिल्ट अप आपका बीम होता है जो, अगर मतलब किसके, ये आप सपोज दैट आपका टी सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन, सपोज दैट बीम है, तो अगर इस बीम में ऊपर में एक प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं ज्यादा डेप्थ बढ़ाने के लिए, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ाने के लिए, तो इस बीम को बिल्टअप बीम बोलते हैं। तो जब इसमें हम लोग रिवेट होल प्रोवाइड करेंगे तो अलाउंस कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐड कितना करेंगे, तो 13% इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज इनहांस बाई टेट्रा कैल्शियम एलुमिना फेराइट, ठीक है, इन ए सीमेंट। ये भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो C4AF। अब देखिए आप मतलब जितना हम सिविल का क्वेश्चन कराए हुए हैं आप मैच करा लीजिएगा जाके, जो भी हम कराए हुए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, कितना क्वेश्चन उसमें से आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और सभी लोग अपना पेपर टू का मार्क्स कमेंट में जरूर बताएं कि कितना मेरा मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अभी हम कट ऑफ वगैरह बताएंगे इसके बाद। विच प्रॉपर्टी इज एनहांस बाई टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट इन ए सीमेंट, तो कौन सा प्रॉपर्टी एनहांस होता है, फ्लैश सेटिंग का जो प्रॉपर्टी होता है वो इनहांस होता है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश सेटिंग, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसेलिनेशन इज यूजली डन फॉर, डीसेलिनेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हम लोग किसमें करते हैं, तो सी वाटर का करते हैं। डीसेलिनेशन इज यूजली डन फॉर सी वाटर के लिए होता है, ठीक है। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज, सॉइल का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं, तो उसका मतलब होता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज, इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, टोटल लोड ऑन द बियरिंग एरिया, सेफ लोड ऑन द बियरिंग एरिया, लोड एट विच सॉइल फेल्स, लोड एट विच सॉइल कंसोलिडेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लोड एट विच सॉइल फेल्स, उसी को हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द प्रेजेंस ऑफ O3, ठीक है। द टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज, तो क्या होगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जो है ड्यूरिंग डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ O3 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए फॉर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रिकल एरीगेशन, ठीक है। तो ट्रिकल एरीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप एरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप एरीगेशन हो जाएगा। इरिगेशन से क्वेश्चन है, पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन अ सॉफ्ट रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पिकअप द एक्सप्लोसिव जो हम लोग ब्लास्ट करने के लिए सॉफ्ट रॉक को, टनल में जो हम लोग टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सॉफ्ट रॉक को जो हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, वो कौन सा एक्सप्लोसिव होता है, तो ये आपका होता है अमोनिया डायनामाइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अमोनिया डायनामाइट अपना देख लीजिएगा क्या आप किए हैं। नॉमिनल साइज ऑफ बलास्ट यूज फॉर द पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ठीक है। नॉमिनल साइज ऑफ बलास्ट यूज फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बलास्ट जो हम लोग स्प्रेड करते हैं, ये आपका रेलवे सपोज दैट एम्बैकमेंट है, इस पे आप बलास्ट स्प्रेड करते हैं, तो जहां पे पॉइंट और क्रॉसिंग होता है, सपोज दैट रेल जो है
ये जहां पे आके एक दूसरा रेल जो है दूसरा जगह से ये दोनों रेल है जो यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो पॉइंट और क्रॉसिंग के पास हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो 25 mm हम लोग नॉमिनल साइज ऑफ ब्लास्ट देते हैं, ठीक है। क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, तो क्रॉस स्टाफ हम लोग राइट एंगल सेट करने के लिए होते हैं, सर्वे से क्वेश्चन है सेटिंग आउट राइट एंगल्स, उसके लिए हम लोग क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप डी कर लीजिएगा। प्रोफाइल लेबलिंग इज यूजली फॉर डिटरमाइनिंग, प्रोफाइल लेबलिंग किसके क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है, एलिवेशन अलोंग द स्ट्रीम स्ट्रेट लाइन, जो प्रोफाइल लेबलिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या उसमें करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग एलिवेशन मेजर करते हैं। द वेरिएशन ऑफ हुप स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ ए थिक सिलेंडर, तो जब हम जो आपका हुप स्ट्रेस होता है ये आपका सपोज सिलेंडर है तो यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है, तो ये आप याद रखिएगा, हाइपरबोलिक के सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा 45। देखिए ए और बी क्लास के लिए 45 होता है और सी डी क्लास के लिए आपका 60 होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट 15, विच प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टस यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज करेक्टली इनकरेक्टली स्टेटेड, ठीक है, एस्बेस्टस के बारे में कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो इनकरेक्टली बोला है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग क्या किए हैं, इसका आंसर होगा ये जो बोल रहा है इट इज इनकम्बेस्टिबल, ये तो सही है, इनकरेक्टली स्टेटेड जो बोला है, फायर रेजिस्टेंस होता है, रस्ट फ्री होता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका गलत है। इन केस ऑफ रेन वाटर इज डिस्चार्ज इन टू सीवर इट इज कनेक्टेड बिफोर, रेन वाटर हम लोग क्या करते हैं सीवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ कनेक्ट करते हैं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा कहाँ कनेक्ट करते हैं इसका, ठीक है। इन केस ऑफ रेन वाटर इज डिस्चार्ज इन टू अ सीवर इट इज कनेक्ट, आंसर हो जाएगा गली ट्रैप, ठीक है, जो हम लोग अगर रेन वाटर डिस्चार्ज करते हैं सीवर में तो ये गली ट्रैप इसमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ, द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज ए रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है, जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता है एरियल फोटोग्राफ में वो कहाँ से कहाँ तक का पॉइंट होता है, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली आइस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम आइसोसेंट्रिक पॉइंट हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब हम लोग पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सीमेंट हम लोग वहां पे कौन सा यूज करते हैं, तो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। द टाइम इंटरवल, ठीक है, फॉर द सीमेंट प्रोडक्ट रिमेन्स इन अ प्लास्टिक कंडीशन इज नोन एज टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल फॉर द सीमेंट प्रोडक्ट रिमेन इन ए प्लास्टिक कंडीशन, तो वो आपका प्लास्टिक कंडीशन में कब रहेगा रिमेन, जब इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउएबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आर, ठीक है, कौन सा कितना जोन में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग द अलाउएबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका 4 जोन इसका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास इज, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70-75% हो जाएगा, परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास इज 70-75% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन, जो कैपेसिटी होता है इरिगेशन टैंक का वो किस पे डिपेंड करता है, तो इरिगेशन टैंक का जो कैपेसिटी होता है वो टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करेगा और ड्यूटी पे डिपेंड करेगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्या आंसर दिए हैं। द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द स्टोन टू फाइंड आउट, तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम लोग स्टोन पे करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है, जितना हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराए हैं आप जाके वहां से मैच करा लीजिए कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ ही नहीं जनरल इंजीनियरिंग का भी जो आपका प्रैक्टिस करा है उसे भी मैच किया है। इन केस ऑफ पेंट्स द चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एप्रिसिएबल रिडक्शन इन द इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी कोहेशन एंड एडहेशन एट द फिल्म इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ब्रिटलनेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ फुटिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्चेस थिएटर पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेसेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड, तो यहाँ पे देखिए कौन सा फ्लोरिंग लगेगा, तो कॉर्क फ्लोरिंग लगेगा, ठीक है, मैच कर लीजिए कितना आप क्या मारे हैं,
डिवाइस इंस्टॉल्ड इन ए ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो, कौन सा डिवाइस हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में लगाते हैं जब अगर रिवर्स फ्लो हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम में, तो उसको ये आप क्या करेगा, रोकेगा। तो इसमें कौन सा हम लोग करते हैं, तो बैक वाटर वाल्व हम लोग लगाते हैं। इसका आंसर है बैक वाटर वाल्व। विच ज्वाइंट इज यूज फॉर एसी एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, कौन सा ज्वाइंट हम लोग एस्बेस्टस सीमेंट पाइप में यूज करते हैं, तो कोलर ज्वाइंट विद सीमेंट मोटर यूज करते हैं, कोलर ज्वाइंट विद सीमेंट मोटर ये यूज करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग फॉलोड टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ एरर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सप्लाई वाटर इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉर फ्रॉम सप्लाई वाटर ही। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या किए, आंसर क्या किए, तो एरेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से हम लोग हटाते हैं, एरेशन करते हैं, ठीक है, एरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 120 क्वेश्चन में अभी सिविल में 90 क्वेश्चन तक जिसका सही होगा उसका काफ़ी चांस रहेगा एग्जाम में होने का, 90 क्वेश्चन जो करके आओ, क्योंकि उधर पेपर वन में पता ही है कि कुछ ना कुछ खराब गया है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम कि आप कितना किए होंगे तो सही होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो वाटर बॉर्न डिजीज में से कौन सा नहीं है, मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, बाकी ये सब जो है ना कलरा, टाइफाइड और टाइफाइड डिसेंट्री, डिसेंट्री और मलेरिया दोनों दे दिया है, लेकिन मलेरिया एक्चुअल जो है वो आपका मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया नहीं होगा वाटर बॉर्न डिजीज। डायगोनल स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट, डायगोनल स्केल यूज टू रिप्रेजेंट, डायगोनल स्केल 3 कंजिक्यूटिव यूनिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेंटर लाइन सेक्शन लाइंस आर ड्रॉन यूजिंग द, कौन सा पेंसिल से हम लोग सेंटर लाइन सेक्शन लाइन ये सब हम ड्रॉ करते हैं, ऑटोकैड से भी क्वेश्चन पूछ दिया आपका, ठीक है, चलो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पेंसिल है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शायद 2H होगा, ठीक है, 2H होगा, 2H जो मारा होगा सही होगा इसका आंसर। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेंड बाय, हाइड्रोलिक लाइम हम लोग किससे करते हैं, बर्निंग ऑफ कंकर से हम लोग करके हाइड्रोलिक लाइम करते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड जो दिया हुआ है NS इक्वल्स टू एन रूट क्यू एच टू द पावर 3/4 फॉर ए डबल सक्शन पाइप इज टू बी एवलेटेड, द डिस्चार्ज वुड बी टेकन एज, अगर हम लोग डबल सक्शन पाइप यूज करते हैं तो डिस्चार्ज क्या होगा, तो डिस्चार्ज होगा वो हाफ ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो आपका हाफ ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज आंसर हो जाएगा। फॉर लाइम कॉन्क्रीट, लाइम कंक्रीट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो लाइम कंक्रीट के लिए स्लंप का वैल्यू 50 से 75 में बिल्कुल सही है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 90 दिन में 0.2 न्यूटन पर एमएस्क्वायर ये भी ठीक है, और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 19 डेज इज 1.5 न्यूटन पर एमएस्क्वायर ये भी सही है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नोन एज, ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर, वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा इसका आंसर। एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रूफ डिपेंड्स अपॉन, एक्सटर्नल विंड प्रेशर, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए रूफ ट्रस इज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्चुअली स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर होता है रूफ पे लगता है वो किसके किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक्चुअली देखा जाए तो डिग्री ऑफ परमेबिलिटी ऑफ रूफ और स्लोप ऑफ रूफ दोनों पे होता है, बी और सी, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो बी और सी दिया नहीं हुआ है, तो क्या मारेंगे आंसर इसमें, कुछ भी आपका बी और सी दोनों हो सकता है या फिर नन ऑफ द अबव आंसर हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ये आप देखिए JSSC क्या देता है इसका आंसर। अब देखिए फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ, फर्स्ट क्लास टिम्बर का जो एवरेज लाइफ होता है वो कितना होता है, तो मोर देन 10 ईयर्स होता है, फर्स्ट क्लास टिम्बर का जो एवरेज लाइफ होता है 10 ईयर्स होता है। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, तो ब्रोकन ब्रिक्स का जो यूनिट वेट होगा वो 142 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डिज नॉट डिपेंड अपन, अगर पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप में फ्लो हो रहा है तो जो ट्रांजिशन होता है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो पे वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो जो आपका रिनॉल्ड्स नंबर पे हम लोग ये पहचानते हैं कि लेमिनार टर्बुलेंट, रिनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू रो वी डी बाई
म्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का कोई टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फ्लूड हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज, क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड वैसा स्पीड होता है, स्पीड एट विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन द सेम टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 81962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ए स्टील स्लैब प्लेट इज, ठीक है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ए स्टील स्लैब प्लेट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ए स्टील स्लैब प्लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 kg/cm², ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट जो प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर के वजह से, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ेगा तो राइज करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं 45 मीटर पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर प्रेसिजन लेबलिंग स्टाफ, तो हम लोग प्रेसिजन लेबलिंग स्टाफ के लिए कौन सा टाइप ऑफ स्टील यूज करते हैं, तो इनवार यूज करते हैं, ठीक है, तो इनवार इसका आंसर हो जाएगा। बिटुमिन फेल्ट इज यूज फॉर, तो बिटुमिन फेल्ट जो होता है ये आपका वाटर प्रूफिंग के लिए भी होता है और डैम प्रूफिंग के लिए भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्रिलिक शीट्स, तो जो एक्रिलिक शीट्स होता है ये क्या करता है, मतलब देखिए एक्रिलिक शीट्स जो होता है पोजीशन 10-17 times ग्रेटर, ठीक है, रियल एज रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ द ग्लास टू द इक्विवेलेंट थिकनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। आर जनरली अनअफेक्टेड बाय द मोस्ट हाउसहोल्ड इंग्रेडिएंट्स पोजीशन द लाइट रेट ट्रांसमिशन रेट, है कि इसका देखा जाए तो सारा का सारा जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, तो ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्लेट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो ये तो आपका हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन है, हाइटोग्राफ इसका आंसर हो जाता है, हाइटोग्राफ जो होता है ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, हाइटोग्राफ, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। द कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो कैविटेशन किसके वजह से होता है, लो वेपर प्रेशर की वजह से होता है, लो प्रेशर की वजह से होता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर को कब बढ़ाएंगे, पी बाई रोजी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी, क्या होता है एनर्जी होता है, आपका पिजोमेट्रिक हेड होता है, तो अगर हम वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कैविटेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफ्लेक्शन लिमिटेशन ओवर बीम्स आर इम्पोज्ड बिकॉज एक्सेसिव डिफ्लेक्शन में काउज, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, ये आपका कैसे हो जाएगा, आपका अनडिजायरेबल ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इंड कनेक्शन और प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन यूजर, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। व्हेन सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर देन पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन इज, ठीक है, व्हेन सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर देन द पोटेंशियल इवापोरेशन, देखो पोटेंशियल इवापोरेशन होता है ये आपका इवापो ट्रांसपिरेशन से ज्यादा होता है, ठीक है, तो मच मोर देन द इवापो ट्रांसपिरेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है, मच मोर देन द इवापो ट्रांसपिरेशन। देखिए सर्वे जो हम लोग करते हैं विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप्स ऑफ लार्ज एरिया आर नोन एज, ठीक है, सर्वे विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप लार्ज एरिया करने के लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, तो जियोडेटिक सर्वे करते हैं जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन चेन सर्वेइंग ए टाई लाइन इज प्राइमरली प्रोवाइडेड, चेन सर्वेइंग में हम लोग टाई लाइन क्यों प्रोवाइड करते हैं, चेन सर्वेइंग में हम आपको बताए थे कि ये आपका सपोज दैट एरिया इसको सर्वे करना है तो जो इसके बीच से हम एरिया डिवाइड कर दिए वो आपका बेस लाइन होता था, और सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम इसका इस ऑब्जेक्ट का स्थिति जानने के लिए अगर हम लाइन खींचते हैं इस तरह से चाहे जैसे भी है मतलब इस ऑब्जेक्ट तक, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टाई लाइन, ठीक है, तो टाई लाइन जो होता है ये किसके लिए होता है, टाई लाइन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल्ड सर्वे के लिए हम लोग टाई लाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, थियोडोलाइट हम लोग किस लिए करते हैं, तो थियोडोलाइट जो होता है ये आपका एंगल भी मेजर करता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजर करता है थियोडोलाइट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल और यहाँ पे दिया हुआ है तो और वाला नहीं होगा, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों करता है, ठीक है।
प्लाईवुड इज ऑब्टेंड बाई ग्लोइंग वुडन सीट एट ए प्रेशर ऑफ, तो प्लाईवुड ग्लोइंग वुडन सीट एट ए प्रेशर ऑफ, कितना प्रेशर पे करेगा, ठीक है। तो इसका देखिए प्लाईवुड इज ऑब्टेंड बाई ग्लोइंग वुडन सीट्स एट ए प्रेशर ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 to 150 newton per cm square, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है लेकिन ये तो टेम्परेचर है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। कोहेसिव सॉइल जो होता है, अगर आप उसमें अगर उसको भिंगा देते हैं तो उसका शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कोहेसिव सॉइल डिक्रीज बेटिंग, और वेयर इज द टेकोमीटर यूजली अडेप्टेड फॉर द सर्वेइंग, टेकोमीटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन प्लेसेस होता है वहाँ पे हम टेकोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल कैन बी डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड होता है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइडेड टू द रिमोल्डेड स्टेट में जो सॉइल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले इज कॉज्ड ड्यू टू, कंप्रेसिबिलिटी जो क्ले का होता है किसके वजह से होता है, तो बेंडिंग ऑफ पार्टिकल्स एज ए इलास्टिक सीट, स्लिपिंग ऑफ पार्टिकल्स टू अ न्यू पोजिशन ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, एक्सपेंशन ऑफ डबल लेयर वाटर फ्रॉम इन बिटवीन द ग्रेन्स, ठीक है, फॉर्म इन बिटवीन द ग्रेन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव मैच करा लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ लूज सैंड सैंपल एंड अ डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेटेड टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ अ डेंस सैंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लूज सैंड, ठीक है। देखिए लूज सैंड सैंपल है और एक डेंस सैंड सैंपल है, वो कंसोलिडेटेड हो रहा है सेम इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, एक्चुअली ये तो सेम इफेक्टिव स्ट्रेस तक कंसोलिडेट हो रहा है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होगा, बट जो पीक स्ट्रेंथ है डेंस सैंड का वो ज्यादा होगा लूज सैंड कंपेयर में, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज, तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है आपका, होता है ना 0.009 × WL- ये होता है, ये वाला होता है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड लिमिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिक्विड लिमिट अगर पे हम बात करें तो इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लिक्विड लिमिट इंक्रीज होगा तो कंप्रेशन इंडेक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी अगर हम निकालते हैं तो एक्टिविटी इक्वल्स टू आईपी बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन होता है, ठीक है, आईपी बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन होता है, तो एक्टिविटी ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ये आप अटर्बिक लिमिट का ये आप देखे होंगे, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट होता है, ये इसमें आपका सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, और ये होता है लिक्विड स्टेट, ठीक है। क्या बोल रहा है, लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट आपका ये है और प्लास्टिक लिमिट ये है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के जो बीच का जो सॉइल है वो आपका प्लास्टिक स्टेट में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इस टाइप का क्वेश्चन हम बोले थे कि कंफ्यूजन होता है और यही क्वेश्चन आ भी गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर एयर कंटेंट हो जाएगा। बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स इज बाय, तो बेस्ट मेथड क्या है इंटरपोलेशन करने का, कंटूर का कंप्यूटेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटेशन। द लैटिट्यूड ऑफ ए ट्रैवर्स लेग इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय टेंजेंट ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ टेंजेंट नहीं होगा, एक्चुअली जो लैटिट्यूड ऑफ ट्रैवर्स लेग इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग, इसका ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू यूनिटी है, एक है, देन द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ ए सॉइल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड इज टू रिप्लेस ए सिंगल लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड टू प्लेस ए सिंगल लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट, तो हम लोग उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो मिडिल में करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड
into a place a single layer of reinforcement at the ठीक है middle हो जाएगा ठीक है। अब आते हैं next, in which of the following traffic signal system are the cycle length and the cycle division automatically varied? तो ये आपका हो जाएगा flexible progressive system. In which of the following traffic signal system the cycle length and cycle division automatically varied? तो flexible आपका progressive system हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे question, according to the classification of ordinary Portland cement OPC cement by a standard bureau, which of the following is not a grade of cement? तो grade 43 होता है, 33 होता है, 53 होता है, लेकिन 63 नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो बल्क डेंसिटी एक्चुअली होता है आपका 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और इसका अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले तो 1.4 हो जाएगा, 1.44, तो ठीक है इसका आ जाएगा 1.44। नेक्स्ट, इन फॉर अ कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क सच एज ब्रेक वाटर एंड टेट्रा पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट इज एडवाइजेबल फॉर कोस्टल प्रोविजन? तो कोस्टल प्रोविजन के लिए सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज होता है, तो ये याद रखिएगा। वट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच गेट्स डेवलप ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट? तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से फ्लेक्सरल बॉन्ड होता है ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन के वजह से एंकरेज बॉन्ड होता है ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, टेंशन के वजह से आपका एंकरेज बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट की वजह से फ्लेक्सरल बॉन्ड होगा ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, वॉट इज द स्पेन टू डेप्थ रेशियो ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड डीप बीम? तो डीप बीम के केस में सिंपली सपोर्टेड में लेस देन 2 होता है, अगर कंटिन्यूस बीम रहता है तो 2.5 होता है। इसका आंसर हो जाएगा, बिफोर टेस्टिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट इट्स। तो हम लोग अगर सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? तो फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रिक्वायर्ड होता है? तो 0.36 होता है ठीक है। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ ए पेवमेंट इज नोन एज, सबसे निचला भाग जो होता है वो क्या होता है, सबग्रेड होता है पेवमेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा सबग्रेड। व्हाट डज द बिटवीन ऑफ ग्रेड 80/100 मींस? तो 80/100 मींस 8-10 mm पेनेट्रेशन होता है, पेनेट्रेशन वैल्यू कितना होगा 8-10 mm, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एज पर इंडियन रोड कांग्रेस व्हाट शुड बी द कैम्बर ऑन द कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट रोड? तो कैम्बर क्या होगा सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में? कैम्बर हो जाएगा 1:60 to 1:50 हो जाएगा ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1:60 to 1:50 हो जाएगा कैम्बर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ए शाफ्ट टर्न्स ए 300 rpm अंडर ए टॉर्क ऑफ 1500 Nm, देन द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज ठीक है, 2πNT/60 होता है, तो इससे आप कैलकुलेट करिएगा तो 47.1 kW आ जाएगा ठीक है। तो इससे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं 47 kW ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं इसको। द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजिली ठीक है, बिल्डिंग स्टोन को हम लोग इजिली ड्रेस्ड कर सकते हैं, कब करते हैं? जस्ट आफ्टर क्वेरिंग हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजिली। द कोफिशेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन यूज इन रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन, जो कोफिशेंट ऑफ हार्डनेस होता है वो 17 से ज्यादा होता है ठीक है। वाटर फ्लोज इन ए लार्जर टैंक विथ ए फ्लैट बॉटम एट ए रेट ऑफ 0.7 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, वाटर इज ऑल्सो लीक्ड आउट ऑफ ए होल ऑफ एरिया 0.5 cm² एट इट्स बॉटम, इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक ट्रांसमिट्स द स्टडी देन द हाइट इज ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा, जो डिस्चार्ज होता है वो आपका होता है एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ठीक है, और जो वेलोसिटी हो जाएगा वो आपका डिस्चार्ज बाय एरिया हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो √2gh आता है आपका वेलोसिटी का वैल्यू, तो यहाँ पे आपके क्यू बाय एरिया अगर करते हैं तो यहाँ से क्यू बाय एरिया हो जाएगा इनटू √2gh, तो यहाँ से h का जब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 10 cm आएगा ठीक है। एक बार क्या करिए, 0.7 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 0.5 इसको मीटर स्क्वायर में करिएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और इसके बाद आपका √2gh कर दीजिए ठीक है, √2gh करिएगा तो उससे आपका आ जाएगा ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं 10 cm आ जाएगा। टॉर्सनल लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम शुड बी प्लेस्ड एट, तो जो टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट होता है आरसीसी बीम में हम लोग कॉर्नर पे प्रोवाइड करते हैं, तो इच कॉर्नर ऑफ द बीम इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 10 केजी ऑफ रेडियस 2 मीटर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए डिस्क थ्रू द सेंटर। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ और एम का वैल्यू है 10 और इसका हो जाएगा 2×4 तो 2 और 20 केजी पर 20 केजी मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टेस्टेड फॉर 7 डेज एज पर आईएस 4031 हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी मोर देन तो 65 कैलोरी पर केजी इसका आंसर हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। द एक कंप्रेशन मेंबर हैज अ सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 6 मीटर। एक कंप्रेशन मेंबर है जिसका कि सेंटर से सेंटर लेंथ 6 मीटर है। इफ द फिक्स्ड एट वन इज एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरा तरफ क्या है हिंज्ड है। एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरा तरफ हिंज्ड है तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 0.8 L होता है 0.8 × L होता है तो 0.8 × L करेंगे 6 तो 6 × 8 = 48 तो 4.8 मीटर होता है ठीक है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 38th आवर होता है ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन अ स्पॉट स्पीड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो स्पॉट स्पीड डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन सा करते हैं ठीक है। तो स्पॉट स्पीड के लिए हम लोग इनोस्कोप यूज करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनोस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक जंप अकर्स एट द टॉप ऑफ अ स्पिलवे द डेप्थ ऑफ बिफोर जंप इज 0.275 मीटर और सीक्वेंट डेप्थ इज 2.275 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिसिपिएटेड तो डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4y1 y2 होगा ठीक है। तो y2 का वैल्यू कितना है 2.275 माइनस 0.275 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 × 0.275 × 2.275 तो इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्चुअली 3.2 मीटर आएगा तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द आईएस 456/2000 द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इन ए बीम तो मैक्सिमम एरिया स्टील कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो 0.4% ऑफ 4% बीडी होता है मैक्सिमम एरिया तो ठीक है तो 0.4% बीडी इसका डी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। फॉर ए हाइड्रोलिकली इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विथ 5 मीटर देन द डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो डेप्थ ऑफ जो फ्लो होता है y इक्वल्स टू बी बाई 2 होता है ये हाइड्रोलिकली इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए तो b का वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाई 2 तो 2.5 मीटर आ जाएगा। डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा r इक्वल्स टू क्या होता है सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट r इक्वल्स टू y बाई 2 होता है तो y कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.25 हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है b में दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा b। द विंड लोड ऑन ए स्टील ट्रस फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल डिपेंड अपॉन तो विंड लोड फॉर ए स्टील ट्रस फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है एक तो लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा और शेप ऑफ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिन्फोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस तो रिन्फोर्सिंग बार जो हम लोग स्लैब में प्रोवाइड करते हैं वो आपका डायमीटर का 1/8 होता है तो आपका जो रेशियो हो जाएगा 1:8 हो जाएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इन ए टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप्स द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द मीन वेलोसिटी इज टर्बुलेंट थ्रू पाइप में जो मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी का फ्लो का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली इसका जो होता है ना यू मैक्स बाई यू इक्वल्स टू 1+1.33√F होता है तो ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। The ratio of the delta of a crop having its period of 130 days is 65 centimeters. What is the ठीक है what is the duty ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा d equals to 8.64 × b/delta होगा ठीक है तो 8.64 × b का वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई 65 ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1728 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर में 10^2 हो जाएगा क्योंकि नीचे पर 10^-2 होगा। अब देखिए 65 × 2 कितना होता है 130 होता है दो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2×8, 2×6×12, 2×16 ये आपका दो अंक के बाद डेसिमल होगा ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 हेक्टेयर पर क्यूबिक में होगा ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ 450 MPa हैज बीन यूज्ड इन ए स्ट्रक्चर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ
तो मैक्सिमम जो अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, 269.46 MPa आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू। तो जो ये आपका सपोज दैट सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होता है, ये यहाँ पर रिइंफोर्समेंट है, तो जो इफेक्टिव डेप्थ होता है ये वाला डेप्थ होता है, तो इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम कंप्रेशन एज से आपका टेंसाइल रिइंफोर्समेंट तक हम लोग करते हैं उसके सेंटर से, तो यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, द सियर स्ट्रेस बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट विथ ए लेमिनार फ्लो बिटवीन देम, ठीक है, दो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका बी है, ठीक है, तो सियर स्ट्रेस कैसे वैरी करेगा बी से, तो ये आप याद रखिएगा, इस ये डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन वैसे वैरी करता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवापो ट्रांसपीरेशन नीड्स ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल नेट फुल ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कंजप्टिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, अगर रिजर्वायर फुल होता है देन द मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड, अगर रिजर्वायर फुल होता है तो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो आपका किस पे लगेगा, टो पे लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। ए कैनाल विच इज अलाइंड एट अ राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड, तो ब्रांच कैनाल होता है जो कि राइट एंगल पे होता है, तो इसका ये कौन सा कैनाल होता है, ये आपका हो जाएगा ब्रांच कैनाल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टर्बिडिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी आप कैसे मेजर करते हैं, नेक्स्ट देखिए, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन अ स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे करते हैं, ठीक है, प्लेटिनियम स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, कलर मेजर करते हैं। अब देखिए, द मिंडर पैटर्न ऑफ ए रिवर इज डेवलप्ड बाय, जो मिंडर पैटर्न होता है ऐसे 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 करके जो होता है सर्पीला आकार का, ठीक है, तो वो क्या किस लिए डेवलप होता है, डोमिनेंट डिस्चार्ज की वजह से, डेवलप बाय डोमिनेंट डिस्चार्ज, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, तो क्वेश्चन नंबर 105 अगर हम देखें, फॉर सीरियल क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड मेथड ऑफ इरीगेशन, तो इसके लिए हम लोग चेक मेथड करते हैं, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स के लिए द मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो हम लोग कौन सा करते हैं, सीरियल क्रॉप्स के लिए चेक मेथड करते हैं। इन ए रूफ ट्रस द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस आर नोन एज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्लिन, ठीक है, इसका पर्लिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डीप स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड्स आर कॉल्ड, डीप स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड आर कॉल्ड, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डीप स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, प्लेट गर्डर जो होता है ये आपका डीप स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक है। इफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द कॉलम ऑफ ए स्ट्रक्चर आर डिजाइंड ऑन द टोटल लाइव लोड एंड डेड लोड बेसिस देन द सेटलमेंट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम विल बी मोर देन द इंटीरियर कॉलम, ये भी आप याद रखिएगा, सेटलमेंट जो होगा एक्सटीरियर कॉलम का ज्यादा होगा इंटीरियर कॉलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ सियर स्ट्रेस डायग्राम, तो जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन होता है, जो शेप ऑफ सियर स्ट्रेस डायग्राम होता है, यह आपका पाराबोलिक होगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन ए रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन, एक रो है उसमें सारा कॉलम एक ही रो में प्रोवाइड किया, तो ये आपका कौन सा होता है, स्ट्रिप फुटिंग होता है। अब देखिए कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट एक तरफ फ्री सपोर्ट होता है, कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू ओवर इट्स होल लेंथ, ठीक है, ये आपका होल लेंथ हो गया, व्हेन ए एंड अ फोर्स डब्ल्यू एक्स एट ए फ्री एंड, डब्ल्यू जो है ये आपका फ्री एंड पे है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ है, व्हाट इज द नेट डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है, फ्री एंड पे, इसके बाद हम किसका निकालेंगे, ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसका निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों का अगर हम नेट डिफ्लेक्शन निकाले दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आपका क्या होता है, डब्ल्यू एल टू द पावर 4/8 EI होता है, ठीक है, इसका क्या होता है डब्ल्यू, ठीक है, इसका क्या होता है डब्ल्यू, ये ऊपर से गया है, ठीक है, डब्ल्यू एल क्यू बाई 3 EI होता है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों को माइनस करिएगा तो क्या आंसर आएगा, 5 WLQ/2 EI आ जाएगा, ठीक है, WLQ/24 EI हो जाएगा, ठीक है, 24 EI हो जाएगा, अब माइनस कर लीजिएगा डब्ल्यू एल टू द पावर 4/8 EI माइनस WLQ/3 EI, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नॉमिनल कवर टू आरसीसी कॉलम ऑफ साइज 200x200 mm यूजिंग 12 mm डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार। तो नॉमिनल कवर हम इसमें कितना प्रोवाइड करते हैं, तो 25 mm नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं अगर 12 mm डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार है तो। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कॉलम में 40 mm करते हैं लेकिन साइज वहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे साइज कम है। वट शुड बी द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 kg/cm² होता है, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115। द थिकनेस ऑफ शार्प क्रेस्टेड वियर, द थिकनेस ऑफ शार्प क्रेस्टेड वियर, ठीक है, केप्ट, तो कितना केप्ट करते हैं, थिकनेस ऑफ शार्प क्रेस्टेड केप्ट इज लेस देन 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ वाटर ऑन द स्टील, एल लेस देन एच बाई 2 होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सर्कुलर सेक्शन विद डायमीटर इक्वल्स टू, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होता है, 0.81 × डायमीटर होता है 1.5, अगर डिस्चार्ज बोलता है तो 0.95 × 1.5 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.81 × 1.5 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.215। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इफ देयर इज एन पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर डी लेड इन ए पैरेलल इन ए प्लेस ऑफ सिंगल पाइप, तो इसका फॉर्मूला होता है d=d/n^2/5 होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क्स इन एनारोबिक कंडीशन, इसमें से कौन सा यूनिट जो है वो एनारोबिक कंडीशन पे बेस्ड होता है, तो स्लज डाइजेशन टैंक जो होता है वो एनारोबिक पे होता है, ये सब एरोबिक है, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन और ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक है, लेकिन स्लज डाइजेशन टैंक एनारोबिक है। एनारोबिक इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो एनारोबिक होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक होगा। द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट्स इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है सीवेज इफ्लुएंट का, ये आपका क्या एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो करते हैं वो हम लोग किसमें करते हैं, क्या करते हैं उसमें, मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 120 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आपका कितना मार्क्स हो सकता है, इसमें से एक दो क्वेश्चन मेरा हो सकता है जो जैसे सी जे देगा उससे डिफर करेगा, लेकिन अप्रोक्स इतना ही के करीब में रहेगा आप लोग का। ठीक है, तो इसका PDF जो है टेलीग्राम में ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, पेपर 1 का भी सॉल्यूशन जल्दी ही मिल जाएगा आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।